बीएसपी के पूर्व प्रतिनिधि यूनियन सीटू ने शनिवार को संपन्न हुए चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। सीटू के संगठन सचिव डीवीएस रेड्डी ने बताया कि सीटू द्वारा लगातार कर्मचारी हित में कार्य किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की अनेकों समस्याओं का समाधान हो चुका है। आइए देखते हैं डीवीएस रेड्डी से ग्रैंड एशियन न्यूज की हुई बातचीत के खास अंश। हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू द्वारा बीएसपी के आज होने जा रहे चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई जा रही है। इसके पूर्व भी इस कार्यकाल के पूर्व सीटू द्वारा ही बीएसपी की प्रतिनिधि यूनियन का कार्य किया गया था। हमारे साथ मौजूद है सीटू के संगठन सचिव डीवीएस रेड्डी जी। आइए हम उनसे जानते हैं उनका क्या एजेंडा है, क्या उन्हें लगता है इस बार वापसी फिर से एक बार सीटू की बीएसपी में हो सकती है। सर, आपका प्रमुख एजेंडा क्या है, इसका आपको इस बार लगता है कि फिर से एक बार सीटू की बीएसपी निश्चित रूप से सीआईटी ये आशा के साथ में चुनाव लड़ रहा है कि इस बार प्रतिनिधि यूनियन के रूप में कर्मचारी यहाँ के चुनेंगे और हम लोग जीत के आएंगे। वो इसीलिए भी कि सीआईटी कभी भी वादे नहीं करता, वो अपने मजबूत इरादे के लिए जाना जाता है। जो पहले कार्यकाल में हमने काम करना शुरू किया तो उन सारे कामों को अंजाम दिया जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था को ही सड़ा गला के रख दिए थे। यहाँ पर हर चीज़ में दलाली चलती थी, सीपीएफ निकालने के लिए दलाली होती थी, यदि आपका हॉस्पिटल से कहीं रेफरल होना पड़ता था तो दलाली होती थी, क्लास वन के एडमिशन तक के दलाली होती थी, आपका टाउनशिप में मकान आवंटन के लिए दलाली होती थी। लेकिन सीआईटी के कार्यकाल में ये सारे चीज़ों के ऊपर में काबू पा लिया गया। दूसरे कार्यकाल में भी हमने बहुत बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया। 3 दिन का एचपीएल जो सेल्फ कॉम्पिटिशन से होता था, ये सेल के पूरे किसी भी यूनिट में आज तक के नहीं था, जिसको हमने भिलाई में चालू करवाया। वहीं पर 2 सीएल के बीच में यदि हमारा वीकली ऑफ पड़ता था तो 3 छुट्टियां भरनी पड़ती थी, उसको हमने चेंज करवाया। इस तरीके से सेकंड कार्यकाल में कई सारे कार्यों को हमने अंजाम दिया, प्रशिक्षण काल को जुड़वाया, डेंगू के समय में हमने काम किया, ब्लड बैंक जब बंद हुआ था तो वे और सीआईटी ने संयुक्त रूप से ब्लड बैंक को खुलवाने के लिए 1 महीने तक के जो अभियान किया है, यहाँ के लोगों की कर्मियों के दिलों में वो बसा हुआ है। सुरक्षा के मामले में हमारे काम बहुत तेजी से होते थे, कोई छोटी सी घटना हो, दुर्घटना हो या बड़ी घटना हो, हम तुरंत उन जगह पे पहुँच जाते थे और उसको सार्वजनिक इसलिए करते थे कि ताकि ये घटना दोबारा ना हो। ये सीआईटी के कार्यकालों की देन है जिसको जनता ने कभी नहीं भूला। पिछले बार हम लोग इसलिए नहीं आ पाए थे कि जनता के बीच में, कर्मियों के बीच में एक बात थी कि एक बार फिर से बदल के देखते हैं। जब 6 साल बीत जाते हैं तो लोगों के अंदर में एक छोटा सा बदलाव का बात आता है, बस उतनी सी बात थी। फिर से जनता ने ठान लिया है यहाँ के कर्मियों ने कि इस बार फिर से सीआईटी को वापस लेके आएंगे। क्योंकि लगातार आप लोगों के द्वारा बीएसपी के विभिन्न विभागों में दौरा किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा था, तो किस तरह का प्रतिसाद देखने को मिल रहा है जन इस बार बीएसपी कर्मचारियों का क्या इच्छा सामने देखी जा रही है? देखिए, बीएसपी का जहाँ तक के कर्मियों का इच्छा है, निश्चित रूप से केंद्रीय स्तर पर कुछ मांगों का हल नहीं निकला है। जैसे हमारा 39 महीने का एरियर्स का बकाया आना है, ग्रेजुटी को सीलिंग कर दिया गया है, इसके साथ में सेंट्रल के द्वारा जो हमले हो रहे हैं वह बहुत तीखे हो गए हैं। इन सारे के खिलाफ में तो हमको लड़ना है, ये तो हर हालत में इस लड़ाई को लड़ा ही जाएगा। और कर्मियों को ये मालूम है कि सीआईटी वो संगठन है जो वादे नहीं करता, बहुत मजबूत इरादों के साथ उतरता है और जब भी जो चीज़ बोल देता है उसको अंजाम तक पहुंचते तक के वो संघर्षों में उतरता है। और सीआईटी का एक खास बात यह है कि वो ये नहीं बोलता कि हम कर देंगे, वो अक्सर ये बोलता है कि हम सबको मिलके करना होगा। ये चुनाव का मतलब यह है कि कर्मी अपने लिए एक यूनियन चुन रहे हैं, जब वो अपने लिए यूनियन चुनेंगे तो यूनियन जो कॉल देती है उसमें कर्मचारी उतरते हैं, उस लड़ाइयों को लड़ते हैं। आने वाले दिनों में ये लड़ाइयों को लड़ा भी जाएगा और जीता भी जाएगा। क्योंकि अगर प्लांट के बाहर की बात की जाए तो टाउनशिप क्षेत्र में भी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सका। जैसे जो सेंटर के कर्मचारी हैं जो उन्हें आवास तक आवंटित नहीं है, अधिकांश आवासों में कब्जे, हालांकि इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, आवासों खाली करने बावजूद पुनः कब्जे हो जाते हैं। निश्चित रूप से आवास की एक बहुत बड़ी समस्या है। सीआईटी के अपने कार्यकाल में 750 स्क्वायर फीट का आवास के पुनर्निर्माण यानी अच्छे आवासों को बनाने के संदर्भ में कार्य को प्रारंभ किया गया था। इसका प्लान भी अप्रूवल होकर पड़ा है लेकिन पिछले 3 सालों में इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया। इस चीज़ को अंजाम देना है, सीआईटी आएगी तो इस चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करेगी।
हाँ, सबस्टैंडर्ड मकानों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर 36,000 मकान थे लेकिन 65,000 कर्मचारी थे। छोटे मकानों को भी आवंटन कराने के लिए बहुत मारामारी होती थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि यहाँ 13,000 वोटर हैं, तो 13,000 से ज़्यादा मकानों की हमको आवश्यकता नहीं है। कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए 3,500-4,000 मकान चाहिए। 13,000 में भी लगभग आधे के आसपास कर्मचारी अपने खुद के मकानों से आते हैं, तो हमारे पास 10,000 से 12,000 मकान यदि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर तरीके से हो जाए तो बेहतर है। और बेहतर मकाने हैं जिसको खाली कराने की जिम्मेदारी, यहाँ कई सारे अड़चनें आती हैं, ये आज की अड़चन नहीं है, ये बहुत पुरानी अड़चन है और सिस्टम का सड़ा हुआ सिस्टम का देन है। ये कब्जेधारियों के खिलाफ में जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे राजनेता भी बीच में आ जाते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी आ जाता है, तो ये सारे चीज़ों को झेलते हुए उन सारे लोगों को बातचीत करते हुए इस लड़ाई को लड़ना पड़ता है। और बार बार उनसे विनती भी करते हैं कि आपको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा क्योंकि हम सब आप ही को वोट दे के जिताए हैं, चाहे पूर्व के मंत्री हों, अभी के मंत्री हों या भिलाई के यूनियन हों, इन सबको मिल के वो लड़ाई को अंजाम देना पड़ेगा, तभी जाके ये कब्जेदारियों से हमको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा टाउनशिप का जो हालत है बस से बदतर होने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ये लड़ाई को हम लोग जब भी आते हम लोग लड़ते हैं, पिछले बार भी लड़ते थे, कहीं कब्जा मुक्ति का आंदोलन होता था तो हम जाके बकायदा यूनियन की तरफ से खड़े भी हो जाया करते थे। ये थे हमारे साथ सीटू के संगठन सचिव डीवीएस रेड्डी जी, जिनका दावा है कि इस बार जो हो रहा है चुनाव में निश्चित रूप से सीटू बीएसपी यूनियन तो करेगी, कर्मचारियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान भी सीटू द्वारा लगातार कर्मचारी हित में काम किया जाता रहा है और कार्यकाल में नहीं होने के पश्चात भी सीटू द्वारा कर्मचारी हित में लगातार लड़ाई लड़ी जाती रही है, तो आने तो देखने वाली बात यह होगी कि सीटू को अपने संघर्ष का कितना लाभ मिल पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।